हमारे रवे के गुलाब जामुन यहाँ पे बनके तैयार है। खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। इसे हमने बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम चीज़ों से बनाया है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आप भी एक बार इस तरीके से रवे के गुलाब जामुन अपने घर में ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रवे के गुलाब जामुन, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करके खाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है रवा, ये बारीक वाला रवा हमने लिया है, एक कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है, एक कटोरी शक्कर, घी और दूध लिया है एक गिलास। ये हमने थोड़ी सी इलायची जिसे क्रश कर लिया है, और ये थोड़े से बादाम के टुकड़े कट करके ले लिए हैं। इसे हम गार्निशिंग करेंगे, इसलिए हमने इसे लिया है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई रखेंगे हम गैस पर और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई अब हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम घी डालेंगे। तो हमने इसमें एक चम्मच और थोड़ा सा ऊपर से और घी डाला है। घी को गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम ये रवा डाल देंगे, और रवे को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। फ्लेम हाई नहीं करना है, वरना जो रवा है वो जल जाएगा। तो इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, भून लेना है, जब तक ये खोया की तरह ना हो जाए। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से भून लिया है, ये बिल्कुल अब खोया की तरह हो चुका है। खोया से रसगुल्ले बनाए जाते हैं। तो देखिए, ये अच्छे से बिल्कुल तैयार है गुलाब जामुन बनने के लिए। तो अब हम इसमें दूध डालेंगे, दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले इतना दूध हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये अब गाढ़ा होने लगा है, बहुत जल्दी रवा जो है वो सोख लेता है दूध को। तो देखिए, गाढ़ा होने लगा है, तो हम बचा हुआ दूध भी अब डाल देंगे इसमें, और इसे अब हम हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए, गुलाब जामुन बनाने के लिए अच्छा सा एक जो डो है वो बनके रेडी हो चुका है। इससे हम गुलाब जामुन बना सकते हैं अच्छे से। तो देखिए, बिल्कुल रेडी है ये। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस ऑन कर लिया है, एक टोप रखेंगे हम गैस पर, और इसमें हम डालेंगे शक्कर, जो हमने एक कटोरी ली है। हमें शक्कर की चाशनी बनानी है। अब एक कटोरी शक्कर डाली है हमने, तो इसी कटोरी से हम इसमें डेढ़ कटोरी पानी डालेंगे, और अब हम शक्कर को अच्छे से पिघलने देंगे। बीच बीच में हम शक्कर को अच्छे से इस तरीके से चम्मच से चलाते रहेंगे। तो हम शक्कर की चाशनी अब अच्छे से बना लेते हैं। शक्कर को पिघल जाने देना है पूरी तरीके से। तो देखिए, शक्कर अच्छे से पिघल चुकी है, और शक्कर का जो चाशनी है वो भी अच्छे से उबल रहा है। तो इसमें हम ये इलायची डाल देंगे, जिसे हमने क्रश करके रखी थी, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से खुशबू और टेस्ट आता है जब हम इलायची डालते हैं चाशनी में। तो इससे हमारे जो गुलाब जामुन है बहुत ही बढ़िया से और टेस्टी बनने वाले हैं। तो देखिए, चाशनी को अब हम चेक करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से अच्छी सी चिपचिपी बन चुकी है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमने यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट ले ली है, और इसमें हम ये डाल देंगे जो हमने बना के रखा था रवे का एक डो। ठंडा हो चुका है बिल्कुल, हमने ठंडा होने के लिए रखा था इसे। और अब हम इसमें डालेंगे घी, डाल देते हैं हम इसमें एक चम्मच, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारे हाथों में भी ना चिपके। तो अब हम इसे अच्छे से घी के साथ इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं हाथों से, इस तरीके से।
तो इसका हमें एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने अच्छे से इसे डो बना लिया है, अच्छे से इसे मुलायम कर लिया है, सॉफ्ट कर लिया है। तो अब हम इसके गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने एक गोली उठा ली है, इसे हम इस तरीके से अच्छे से राउंड करके इसका छोटा सा एक बॉल बनाएंगे, जो कि गुलाब जामुन का साइज़ का होता है उस तरीके का हम बना लेते हैं। तो देखिए हमने एक छोटा सा गुलाब जामुन यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं। तो अब हम इस तरीके से सारे गुलाब जामुन बना लेते हैं इससे। तो देखिए हमने यहाँ पर गुलाब जामुन बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें तेल में तलने वाले हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है, तो अब हम फ्राई पैन रखेंगे गैस पर और इसे हम गर्म होने देंगे। फ्राई पैन हमारा अब गर्म हो चुका है, तो इसमें हम अब तेल डालेंगे और तेल को अब अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो देखिए तेल अब हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म करना है। और अब हम गैस का फ्लेम हाई ही रहने देंगे और ये जो हमने गुलाब जामुन रखे बना के वो हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। थोड़े थोड़े दूरी पर हम डालेंगे ताकि चिपके नहीं। तो देखिए हमने इसे थोड़े थोड़े दूरी पर अच्छे से डाल दिया है। तो हम इसे अब अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन इसका कलर ना हो जाए। तो देखिए एक और से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। तो हम इसे छोटे वाले चम्मच से पलटेंगे, झारा इसमें लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे सारे। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा इसका कलर हो चुका है। तो हम इसे पलटते हुए दूसरे साइड से भी इसी तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल यही कलर आना चाहिए दूसरे साइड से भी। तो हम सारे इसी तरीके से पलट देते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से सारे पलट दिए हैं गुलाब जामुन। तो हम इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए दूसरी ओर से भी अच्छे से हमारे जो गुलाब जामुन हैं फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं झारे की मदद से। बहुत ही स्लोली हमें इसे निकालना है। तो देखिए हमने गुलाब जामुन प्लेट में निकाल लिए है। अब हम इसे पाक जो हमने चाशनी बनाई है उसमें डालेंगे। हमने यहाँ पर शक्कर की चाशनी बनी हुई ले ली है, तो हम इसमें एक एक करके अच्छे से डाल देंगे। और इसे हम अच्छे से डुबो देंगे इसमें चम्मच की मदद से। बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं हमारे जो गुलाब जामुन है वो। तो हम अब इन्हें 10 मिनट तक चाशनी में भीगे रहने देंगे। तो देखिए अब 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हम हटा लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये भीग चुके हैं चाशनी में। तो हम इन्हें अब प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए हमने इसे अब प्लेट में निकाल लिया है और इसे अब हम सर्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया से हमारे जो है यहाँ पे गुलाब जामुन बनके रेडी है रवे के। तो देखिए हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे काजू से इस तरीके से गार्निश करेंगे। हमारे रवे के गुलाब जामुन यहाँ पे बनके तैयार है। खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। इसे हमने बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम चीज़ों से बनाया है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप भी एक बार इस तरीके से रवे के गुलाब जामुन अपने घर में ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।